ये मैं आपसे यही कहूंगा कि जो आज इस साल की पैदावार इस सैफरन सैफरन का है, बहुत ही नुमाया कमी दिखाई दी गई। इसमें बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से नुमाया कमी हो रही है। सबसे पहले पहला वजह यह है कि जो बारिश या पानी बारिश ना आने की वजह से एक वजह तो यह है कि बारिश एट द प्रॉपर टाइम आई नहीं। तो दूसरा, ये सैफरन मिशन के जो का जो एक मिशन था, वो उन्होंने यहाँ पे एक बोरवेल्स की स्कीम अप्लाई करी थी, लेकिन वो मुनासिब टाइम पे मुकम्मल नहीं हो सकी, जिसकी वजह जो एक और वजह है इसकी नुमाया कमी देखने को मिली हमें। जहाँ तक यहाँ के काश्तकारों का ताल्लुक है, हम यहाँ के जो सैफरन ग्रोवर्स हैं उससे दराज से इस सन्नत से वाबस्ता लोग हैं, तो इस हवाले से कुछ बीच में इसका डिक्लाइन हुआ है बिकॉज ऑफ द ड्राई स्पेल्स। 2010 से पहले ड्राई स्पेल्स हुए हैं, इससे डिक्लाइन हुआ है सैफरन प्रोडक्शन। इसके बाद एक मिशन आया है, तो मिशन में बहुत सारे कंपोनेंट गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किए हैं। इसमें से एक बहुत सबसे बड़ा कंपोनेंट जो है वो इरिगेशन है, लेकिन अभी तक मैं आपको टू बी ऑनेस्ट कहूंगा कि अभी जो इरिगेशन कंपोनेंट है मिशन में, और भी कुछ कंपोनेंट्स है इसमें, रिजुविनेशन थी, ट्रांसफॉर्म टेक्नोलॉजी थी, मैकेनाइजेशन थी, और लोगों ने उसमें भरपूर फायदा उठाया है मिशन में। पैसे लिए हैं, 25,000 रुपये इंसेंटिव लिए, एक कनाल जमीन में बीज लगाने के लिए वीडियोज लिए हैं लोगों ने, मैकेनाइजेशन बहुत सारा फायदा उठाया। लेकिन एक और फायदा जो मिशन का रो था, दिस वॉज द हॉट ऑफ द मिशन, यानी सुप्रिकल सैफरन इरीगेशन सुप्रिकल सिस्टम। तो अभी तक मुझे लगता है कि उस पर जो 100+ वेल्स खोदने हैं, वेल तो सब खोदे गए हैं, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर वेलों का था वो भी लाया गया है, लेकिन जमीनी हकायक पर अभी जो सर्वरिकल सिस्टम है अभी वो मतलब पूरा नहीं चल रहा है। मुझे लगता है इंशाल्लाह जो ही वो कंप्लीट हो जाएंगे, जब वो सर्वरिकल इरिगेशन सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा, बरोकार जमीन पर आएगा, तब मुझे लगता है कि जमीन कदारों को जो दिक्कत थी ड्राई स्पेल में आने की, ये खुशकशाली की वजह से जो प्रोडक्शन कम होती है, जो दिक्कतें जमींदारों को आती है वो हल हो जाएगी। मुझे लगता है कि जब इरिगेशन वक्त पर दिया जाएगा, जब जरूरत होगी, तब मुझे लगता है कि क्रॉप बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा।